नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज वायरल न्यूज में। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का शुक्रवार को दूसरा दिन है। पीएम नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर और मुंबई सेंट्रल के बीच पहली वंदे भारत को हरी झंडी दिखा दी है। पीएम मोदी गांधीनगर राजधानी रेलवे स्टेशन से सेमी हाई स्पीड ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद गांधीनगर के कालूपुर स्टेशन जाने वाली ट्रेन में सवारी की। कालूपुर से 12,925 करोड़ रुपए की लागत से पूरी हुई इस बहुप्रतीक्षित अहमदाबाद मेट्रो परियोजना का ये पहला चरण है। पहले चरण के मार्ग में 17 स्टेशन बनाए गए हैं। इस कॉरिडोर में 4 स्टेशनों के साथ 6.5 किलोमीटर का भूमिगत खंड भी बना हुआ है। अहमदाबाद मेट्रो भूमिगत सुरंगों, वायडक्ट और पुलों, एलिवेटेड और भूमिगत स्टेशन भवनों और चालक रहित ट्रेन संचालन के अनुरूप रोलिंग स्टॉक आदि से युक्त एक विशाल अत्याधुनिक बुनियाद ढांचा परियोजना है। ट्रेन में अत्याधुनिक सस्पेंशन सिस्टम बनाए गए हैं जो यात्रियों को बहुत ही सहज सवारी का अनुभव प्रदान कर सकते हैं। अहमदाबाद में पहले चरण की मेट्रो परियोजना के उद्घाटन से शहर के लोगों को विश्व स्तरीय मल्टी नोडल कनेक्टिविटी मिलेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस एक बेहतर और विमान यात्रा जैसा अनुभव प्रदान करती है। भारतीय रेल और बस प्रणाली के साथ मल्टी नोडल कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है। IIT से पढ़ाई करने वाले एक इंजीनियर संदीप कुमार भट्ट ने लाखों सैलरी की नौकरी छोड़ने का फैसला किया और फिर लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा देने के लिए वे सन्यासी बने। स्वामी सुंदर गोपाल दास नाम से वो मशहूर हो गए। IIT दिल्ली से बीटेक करने वाले गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर के सन्यासी बनने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने MTech कर मोटी सैलरी पर जॉब भी की, लेकिन फिर उन्होंने 28 साल की उम्र में सन्यास की राह पकड़ ली। IIT दिल्ली के छात्र संदीप कुमार भट्ट इंजीनियर से सन्यासी बन चुके हैं। उन्होंने शादी भी नहीं की है। जब वह सन्यासी बन गए तो वे स्वामी सुंदर गोपाल दास हो गए। वह मूलतः बिहार के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि 2002 में IIT दिल्ली से बीटेक किया, बीटेक में गोल्ड मेडलिस्ट रहे। संदीप भट्ट ने यह भी कहा कि मशीन की क्वालिटी तो बढ़ रही है पर इंसान की क्वालिटी घट रही है। हर साल लाखों क्राइम होते हैं, इस बात का प्रमाण भी है कि इंसान की क्वालिटी खराब हो रही है। उन्होंने कहा, मैं मानता हूं कि पढ़े लिखे लोगों को साधु संत बनना चाहिए। आखिर क्या वजह है कि बड़ी बड़ी कंपनी IIT के लोगों को हायर करती है? अगर अच्छाई समाज में बढ़ानी है तो ऐसे लोगों को भी आगे आना चाहिए। टीवी का पसंदीदा शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा दर्शकों को 14 सालों से मन भा रहा है। शो के हर किरदार को दर्शक काफी पसंद भी करते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से शो में हो रही उथल पुथल ने दर्शकों को निराश कर दिया है। शो को कई सितारों ने अलविदा कह दिया है। कई नए कलाकारों की एंट्री होने जा रही है, जहां इस शो की जान कही जाने वाली दया बेन उर्फ दिशा वकानी इस शो को अलविदा कह चुकी है। इन खबरों से शो के लाखों करोड़ों फैंस का दिल टूट गया था। फैंस को दया बेन का बेसब्री से इंतजार है। छोटे पर्दे का पसंदीदा शो तारक मेहता का चश्मा में उलटफेर। वहीं अब खबर आ रही है कि शो में दया बेन की वापसी होने जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मेकर्स ने के किरदार के लिए एक बार फिर दिशा वकानी से संपर्क किया है। रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया है कि वैसे तो उनकी वापसी हाई प्रायोरिटी पर है, लेकिन अगर वे वापसी के लिए तैयार नहीं होती है तो उनको भी रिप्लेस किया जा सकता है। शो में अक्टूबर के अंत या नवंबर की शुरुआत तक दर्शक दया बेन को शो में वापस देख पाएंगे, फिर चाहे वो दिशा वकानी हो या कोई और भी। मेकर्स का कहना है कि दिशा वकानी से उनकी बातचीत चल रही है। यहाँ बता दें कि शो के फैंस के साथ साथ मेकर्स को भी दिशा की शो पर वापसी का लंबे समय से इंतजार था, क्योंकि वो उन्हें ही शो में लाना चाहते हैं। दर्शक भी दिशा को दोबारा शो में जो देखना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला और शोपियां जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों में कई आतंकियों को घेराव करते हुए दो आतंकियों को मार गिराया है। कश्मीर जोन पुलिस ने बताया है कि बारामूला के पट्टन इलाके के येदुपुरा इलाके में मुठभेड़ जारी है। पुलिस और सुरक्षा बल अपना काम कर रहे हैं। इससे पहले शोपियां जिले के चित्रगाम इलाके में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। दरअसल सुरक्षा बलों को देर रात सूचना मिली थी कि इन इलाकों में कुछ आतंकी इकट्ठे हो चले हैं। इसके बाद तलाशी अभियान चलाया गया। बारामूला में 2 से 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। पुलिस अधिकारी ने यही बताया कि आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है। लगभग 4 घंटे चली मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिरा गया है। कश्मीर के ADGP विजय कुमार ने बताया कि 2 स्थानीय आतंकियों के घिरे होने की खबर थी, जिसमें दोनों मारे गए हैं। दोनों कई आतंकी घटनाओं में शामिल रहे थे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक शिया बहुल इलाके में
जुमे को तड़के विस्फोट होने से 19 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए हैं। तालिबान द्वारा नियुक्त प्रवक्ता खालिद जरदान ने बताया कि दश्ती बारची इलाके में जुमा की सुबह ये विस्फोट हुआ। इस क्षेत्र में अधिकतर अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक शिया समुदाय के लोग शामिल हैं। विस्फोट की तत्काल किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। पुलिस ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान की राजधानी में एक अध्ययन केंद्र पर आत्मघाती हमले में 19 लोगों की मौत हो चुकी है। ये विस्फोट पश्चिमी काबुल के दश्ते बारची इलाके में हुआ, जो शिया मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है, जहां अल्पसंख्यक हजारा समुदाय रहता है, जहां अफगानिस्तान के सबसे घातक हमले हुए थे। पुलिस प्रवक्ता खालिद जरदान ने यह भी कहा कि छात्र परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे थे, तभी इस शैक्षणिक केंद्र पर एक आत्मघाती हमलावर ने हमला कर डाला। बदकिस्मती से 19 लोग शहीद हो गए हैं और 27 लोग घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय मीडिया द्वारा प्रकाशित तस्वीरों में खून से लथपथ पीड़ितों को घटनास्थल से ले जाते हुए दिखाया भी जा रहा है। नवादा थाना क्षेत्र के कतिरा फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित पकड़ी मोहल्ले से सटे बजाज शोरूम की गली में शुक्रवार सुबह हथियारबंद अपराधियों ने पूर्व मुखिया के पुत्र को गोली मार दी। जख्मी 42 वर्षीय बबलू सिंह मूल रूप से गढ़हनी थाना क्षेत्र के दरहपा गांव का निवासी रमेश सिंह के पुत्र हैं। वे पेशे से ठेकेदार भी हैं, भाजपा से भी जुड़े रहे हैं। उनकी मां प्रेमा देवी अगी आव पंचायत की पूर्व मुखिया रही है। अल सुबह बबलू सिंह अपने घर फ्रेंड्स कॉलोनी पकड़ी मोहल्ले से हर रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। आवास के पास गली में ही दो नकाबपोश अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। गोली लगते ही वे खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े। गोली की आवाज सुनकर स्वजन व आसपास के लोग दौड़ पड़े। इसके बाद उन्हें आरा शहर के बाबू बाजार स्थित निजी अस्पताल में ले जाया गया। वहीं दूसरी ओर जख्मी ठेकेदार बबलू सिंह के भाई रितेश कुमार सिंह उर्फ भुअर सिंह एक मुखिया पुत्र पर गोली मारने का आरोप लगाया है। इधर घटना की सूचना मिलते ही भोजपुर के एएसपी सह सदर एसडीओपी हिमांशु एवं नवादा थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार सिंह आरा शहर के बाजार स्थित निजी अस्पताल पहुंचे। इसके बाद भोजपुर एएसपी और सदर एसडीओपी हिमांशु ने जख्मी ठेकेदार से स्वजनों से मिल घटना की पूरी जानकारियां ली। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। खबर है बॉलीवुड से, वरुण धवन और कृति सेनन की हॉरर कॉमेडी फिल्म भेड़िया का ट्रेलर जल्द आने वाला है। शुक्रवार को एक टीजर के जरिए इसकी डेट अनाउंस की गई है। इस टीजर में वरुण के भेड़िया किरदार की पहली झलक भी दिखाई गई है। इस फिल्म की कहानी अरुणाचल प्रदेश में सेट की गई है। टीजर के अंत में बताया जाता है कि ट्रेलर 19 अक्टूबर को आएगा। टीजर काफी दिलचस्प बताया जा रहा है और फैंस को पसंद भी आ रहा है। भेड़िया दिनेश विजन निर्मित हॉरर कॉमेडी फिल्मों की सीरीज में अगली कड़ी है। यह बता दें कि इसकी शुरुआत स्त्री के साथ हुई थी, जिसमें राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर लीड रोल में थे। इस सीरीज को जाह्नवी कपूर की फिल्म रूही ने आगे बढ़ाया। इस फिल्म में भी जाह्नवी के साथ राजकुमार राव थे। भेड़िया 25 नवंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। वरुण और कृति के अलावा दीपक डोबरियाल, अभिषेक बनर्जी और पॉलिन कबक प्रमुख किरदारों में इसमें नजर आएंगे। टीजर में दिखाया गया है कि कुछ लोग गांव में बैठे हुए हैं और आग भी जल रही है। आग की लपटें ऊंची उठती है और भेड़िया का आकार लेने लगती है। हालांकि इस बात का खुलासा अभी नहीं किया गया है कि ये भेड़िया असली है या सिर्फ मिथ्या है। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म की कहानी पश्चिम में लोकप्रिय वेयरवुल्फ की कथाओं से प्रेरित की गई है, जिसमें इंसान किसी खास दिन भेड़िया बन जाता है। वायरल न्यूज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए ग्रैंड एशियन के साथ और देखते रहिए वायरल न्यूज।